तो आज कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक के बाद आज दूसरी लिस्ट जारी की गई। आज इस दूसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का एक भी नाम नहीं है, यानी कि अभी सभी 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंथन चल रहा है। लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश से दो सीट यानी कि रायबरेली और अमेठी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान नहीं होना फिर लोगों को चौंका रहा है कि आखिर अमेठी और रायबरेली के लोगों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि यहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत तेज चर्चा है कि दोनों में से कोई चुनाव न लड़े, जबकि पार्टी ये मान रही है कि परिवार से ही ये दोनों चुनाव में लड़ेंगे। खैर, इस पर अभी इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बताएं कि कांग्रेस ने बेशक अभी तक एक भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया होगा, बीजेपी ने अपने 51 कैंडिडेट उतार दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने 31 कैंडिडेट उतार दिए हैं, और अब तो बसपा भी धीरे धीरे ऐलान करने लगी है। बसपा के ऐलान करने का तरीका अलग है, वो पार्टी की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं कर रहे, लेकिन उनके जो जिले के प्रभारी हैं वो लगातार नामों का ऐलान कर रहे हैं। और अगर हम आपको बताएं तो अभी तक बीएसपी ने कुल 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है नाम, आज दो और, यानी कि 6 किया था, आज दो लोगों के और नाम ऐलान कर दिए हैं। तो आपको बताएं कि पहले 4 किया था, आज 2 किया, तो कुल 6 नामों का ऐलान बसपा ने किया, माफ कीजिएगा। तो हम आपको बताएं कि आज बसपा ने बिजनौर से विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया, विजेंद्र सिंह जाट हैं, और वहां से आरएलडी ने चंदन चौहान जो कि गुर्जर हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी इंतजार इस बात का है कि समाजवादी पार्टी अपना किसे उम्मीदवार बनाती है। और मुजफ्फरनगर से बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है, यानी कि अति पिछड़ी बिरादरी से आते हैं और दारा सिंह प्रजापति को बनाया। लेकिन इन 6 में अगर हम बाकी 4 को देखें तो 4 मुस्लिम प्रत्याशी अभी तक बीएसपी ने दिए हैं। पीलीभीत से अनीश अहमद खान का नाम है, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, और अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन। तो बीएसपी मुसलमानों के नाम और चेहरे को इस बार काफी बड़ी तादाद में उतारने जा रही है, और ये 6 में 4 उम्मीदवारों के ऐलान से लगभग साफ हो गया है। तो खैर, अब इन 6 में 6 लोगों के में 4 मुस्लिम बीएसपी ने उतार दिए हैं, अब धीरे धीरे उनके और कैंडिडेट्स सामने आएंगे, तो हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम फिर कल हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार।